यार यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको कब से फोन कर रहे हैं, जाना नहीं बुला जाना नहीं यार, तो यहाँ बैठा हुआ है कब से तेरे को फोन करी जा रहे हैं। मैं यार भाई ये देखो छत पे बैठा हुआ है आराम से, मतलब फोन भी नहीं उठा रहा। बाइक खराब हो गई है, आज था ब्लॉग बनाने का। मेरे ख्याल बाइक तो खराब हो गई, तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया थोड़ा बहुत। यार यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको कब से फोन कर रहे हैं, जाना नहीं बुला जाना नहीं यार, तो यहाँ बैठा हुआ है कब से तेरे को फोन करी जा रहे हैं। मैं यार भाई ये देखो छत पे बैठा हुआ है आराम से, मतलब फोन भी नहीं उठा रहा। बाइक खराब हो गई है, आज था ब्लॉग बनाने का। मेरे ख्याल बाइक तो खराब हो गई, तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया थोड़ा बहुत। इसका जाने का मूड नहीं मुझे लग रहा है, वीडियो बनाने का आज इसका छुट्टी का मूड है क्या? चलना उठना क्या मतलब यार, बाइक इज नॉट स्टार्टिंग टुडे व्हेन वी, ओह माय गॉड, टू मच इंग्लिश फॉर मी, आई स्पेंड मनी सो मच इन बाइक, सो मुझे लग रहा है आज ही जा रहा है। तो फिर आप क्या करें, अगर ऊपर नहीं जाएंगे तो फिर क्या करें? आज हम बताएंगे नेपाल के बारे में, नेपाल के कल्चर के बारे में, नेपाल के बोल रहे तो आज आप हम उसके बारे में ही बताएंगे नेपाल के बारे में, और वीडियो एंड तक देखना, वीडियो छोड़ के नहीं जाना। तो आज हम जिस बारे में बात करने लगे वो टाइटल में भी शायद आपने पढ़ ही लिया होगा। हमारा थोड़ा प्लान था बाहर निकलने का, बाइक के अंदर प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से बात नहीं निकल पाए। तो इस वजह से हमने कहा कि चलो कुछ इकट्ठे होकर कुछ वैसे ही आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। ये जो सुन कह रहे हैं वही सिस्टम है, नेपाल के बारे में बताना है कि हम नेपाल के बारे में जानते हैं, नेपाल में क्या यूनिक चीज़ें हैं, क्या फैक्ट्स हैं नेपाल के, नेपाल में क्या क्या प्यारे हैं, कैसे लोग हैं यहाँ के, कैसा कल्चर है यहाँ का। हाँ तो भाई पहला सीन ये है कि नेपाल के बारे में जो पहला मुझे फैक्ट वो लगता है कि इसका फ्लैग इसका जो ना सबसे मतलब अलग ही है। क्या अगर आप किसी और मुल्क का फ्लैग देखेंगे तो स्क्वायर होता है, चार स्क्वायर में होता है। नेपाल की जो काफी चीजें ना काफी यूनिक है, मतलब बहुत हटके जो नेपाल को दूसरी कंट्रियों से ना अलग बनाता है। जैसे हसन ने का फ्लैग, ये चीज हकीकत है, नेपाल का फ्लैग बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है। और नेपाल में कल्चर, नेपाल के कल्चर अगर आप देखो तो वो भी बड़े अच्छे हैं। और नेपाल की एक और बात बताता हूँ, मेन बात, नेपाल वो कंट्री जो कभी किसी का गुलाम भी नहीं रहा। ये भी बात ठीक है। बाकी हर मुल्क जो है ना किसी ना किसी का गुलाम रहा है, पाकिस्तान भी किसी का गुलाम रहा है, इंडिया भी गुलाम रहा है, बांग्लादेश भी शायद किसी का रहा है, नेपाल ऐसा कंट्री है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं रहा। क्योंकि नेपाल में जो हमने स्टोरी सुनी है कि यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी पता नहीं एक बार आए भी थे कब्जा करने के लिए, वो नेपाल के गोरखाली जो आर्मी उन्होंने उनको भगा दिया था, उनकी वो खुकरी वाली बात, खुकरी बोलते हैं, वो बात बड़ी मशहूर है। ये आर्मी है नेपाल की जो गोरखा आर्मी है ना, वो भी बड़ी ब्रेव है यार, उसकी भी आप स्टोरी सुनो, यूट्यूब पे काफी है, लोगों ने वीडियो डाली हुई है। नेपाल की मुझे सबसे बड़ी और अच्छी बात ये लगती है कि नेपाल की जो गोरखा आर्मी है वो इंडिया में भी है, वो यूके में भी है, वो अमेरिका में भी है, हर कंट्री को सपोर्ट कर रही है एज अ सोल्जर। माउंटेन और सबसे ऊंची, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, वो भी नेपाल में। ये लोग भी बहुत प्यारे हैं और यार मोहब्बत से मिलते हैं, आप अगर पता लगे कि आप पाकिस्तानी हैं तो बहुत प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। पाकिस्तानी भी हो कोई भी कंट्री के आप हो तो सबके साथ में ये लोग बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। मुस्तांग जाने का हमारा प्लान है, ठीक है, मुस्तांग हमारे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, पोखरा भी बहुत अच्छा है, और भी काफी जगह नेपाल में बहुत अच्छी अच्छी है। एक ब्लॉग भी आया है नीचे, क्या कहते हैं, कहाँ का आया, व्हाइट हाउस का, व्हाइट हाउस का आया है, तो जाओ उस ब्लॉग को भी देखो, इसको भी पूरा देखो। और ये कि नेपाल जो है ना खूबसूरती के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, नेचुरल ब्यूटी। कुछ फैक्ट हम लोगों ने मिस करे हैं तो आप नीचे कमेंट में बता दें। अबे वीडियो तो शुरू कर ली, वीडियो आधी खत्म भी कर ली है, बैंड भी करना है कि नहीं, तू यहाँ बैठ के मोबाइल चला रहा क्या कर रहा है? यार मैं अपने सब्सक्राइबर को कॉल कर रहा हूँ कि वो जल्दी जल्दी मेरा चैनल जाके सब्सक्राइब करें। हेलो, हाँ भाईजान, क्या हाल है नेपाल की आवाम, यार प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज कर दो, 1K 2K ऐसे कर दो, शेयर मारो जल्दी से भाईजान। ओके, धन्यवाद। तो यार आप लोग भी देख रहे होंगे तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो और अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर करो हमारे नेपाल के व्लॉग्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।